उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं, जहां से ब्यूरो चीफ योगेश शैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, उत्तराखंड की हम बात करें तो इस पूरे संभाग में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट होगा, किस तरह की बड़ी घटनाओं पर आज नजर रहेगी? देखिए, आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और चारधाम यात्रा को लेकर के लगातार आप देख रहे होंगे कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर चारों धामों में उमड़ रहे हैं और उसको लेकर के सरकार का और प्रशासनिक मशीनरी का पूरे तरीके से फोकस है कि यात्रा मार्गों पर किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्थाएं ना हो और चारों धामों में यात्रियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है और लगातार सरकार भी इसकी मॉनिटरिंग कर रही है कि कोई भी अव्यवस्था ना हो। क्योंकि शुरुआती दिनों में जिस तरीके से देखा गया कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो उमड़ पड़े थे और उसकी वजह से काफी अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिली, अतिरिक्त भीड़ यहाँ पर थी जो अभी भी बनी हुई है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उसको जो है मैनेज किया जा रहा है, रास्ते में ही लोगों को रोक लिया जा रहा है जिससे कि धाम में जाकर के उनको दिक्कत ना हो वहां पर, क्योंकि रहने की जो व्यवस्था है वो सीमित तौर पर है, इसलिए अतिरिक्त अगर यदि वहां पर भीड़ जाती है तो लोगों को काफी वहां पर दिक्कतें हो जाती है। इस तरीके की दिक्कतों से निपटने के लिए फिलहाल प्रशासन ने जो पड़ाव है, जो धामों से पहले जो पड़ाव पड़ते हैं उन पर ही यात्रियों को रोक लिया है और वहीं पर रोक करके यानी कि उनका नंबर लगा करके आगे भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जो सरकार ने अभी भीड़ को देखते हुए जो नया तरीका निकाला है यहाँ पर दर्शनों के लिए, तो टोकन सिस्टम किया है जिससे कि यात्री अपने निर्धारित समय पर ही अपने धामों पर पहुंचेंगे, उससे पहले यदि वो पहुंचते हैं तो उनको दर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, जिससे भीड़ भी जो है नियमित तौर पर रहेगी, तो इसलिए जो है ये व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अलावा पॉलिटिकली अगर आप बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है और सूबे के मुख्यमंत्री भी अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और कहीं ना कहीं अब जो दावेदार है उनकी भी एक लंबी सूची प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर पहुंच चुकी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की हम बात करें, तो दावेदार की लंबी सूची यहाँ पर पहुंच गई है, दावेदार अपने 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 क्षेत्रों से अपनी दावेदारी कर रहे हैं और निकाय चुनाव को लेकर के अब सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जी योगेश जी, तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव की तैयारी अब सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए।